नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। मध्य प्रदेश में लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, जहां एक ओर देखा जा रहा है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने बयानों को लेकर खुद पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अब सीधे सीधे बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी न किसी मुद्दे को लेकर वो सीधे सीधे नए नवेले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव पर हमला करते ही रहते हैं। हाल ही में लाडली बहना योजना में महिलाओं के खाते में जब 3,000 की जगह महज 1,200 रुपए ही गए, तो देखा गया कि जीतू पटवारी डॉक्टर मोहन सिंह यादव पर हमला बोलते हुए नजर आए। और अब एक बार फिर से एक मुद्दे को लेकर जीतू पटवारी ने डॉक्टर मोहन सिंह यादव पर हमला बोल दिया है, जिसे लेकर अब माना जा रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी को कोई बड़ी बगावत का रूप देने की तैयारी यहां पर जीतू पटवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब जीतू पटवारी ने मोहन सिंह यादव पर लगातार चरमरा रही कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला है और वो सीधे सीधे यहां पर डॉक्टर मोहन सिंह यादव पर हमला करते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा है विस्तार से। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव से सवाल करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सवालों के माध्यम से मुख्यमंत्री से कहा कि वे गृह मंत्री भी वही है, अगर गृह विभाग बेहाल बेलगाम और बदहाल है तो अन्य मंत्रीगण कैसे सक्रिय और समझदार हो सकते हैं। पटवारी ने कहा भोपाल जो कि प्रदेश की राजधानी है, यहाँ कार में बेटी के साथ दरिंदगी होती है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि राजधानी में ऐसा हाल है तो बाकी प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या होता होगा। मध्य प्रदेश में लगातार सभी उम्र की महिलाओं, युवतियों और बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं बढ़ती जा रही है और मुख्यमंत्री यहाँ पर हाथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पटवारी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे सक्रियता दिखाएं और अपने सभी विभागों की जिम्मेदारी को उठाएं, खासकर गृह विभाग को सक्रिय रूप से काम करने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के बने हुए एक महीने से ज्यादा हो गया, अब उन्हें अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि जनता को सुरक्षित महसूस हो। देखा आपने, जहां एक ओर शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की महिलाओं के लिए मसीहा माने जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर मोहन सिंह यादव अब महिलाओं की नजरों में कई बड़े सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और इन सवालों को तूल देने का काम अब जीतू पटवारी ने कर दिया है। ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि प्रदेश की महिलाओं के सम्मान के लिए क्या यहां पर शिवराज सिंह चौहान और जीतू पटवारी हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के।